Hey, what's up guys? Welcome to this video. और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक पीसी बिल्ड जो कि एक मीडियम बजट गेमिंग पीसी बिल्ड है और ये इजिली नई हाई ग्राफिक्स गेम्स और वीडियो एडिटिंग को जो है हैंडल कर लेगा। और इस पूरे बिल्ड की जो प्राइस है वो अप्रोक्स 1,45,000 से 1,50,000 रुपीज़ है, जिसमें शामिल है मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस भी। और ये जो प्राइस है वो मैं आपको अमेजोन की प्राइस बता रहा हूँ। हो सकता है कि ऑफलाइन मार्केट में आपको इससे थोड़ा सा सस्ता या फिर थोड़ा सा महंगा खरीदने को मिले। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से हो। आप कोई मेट्रो सिटी से हो जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या हैदराबाद, तो आपको ऑनलाइन से थोड़ा सा जो है सस्ता खरीदने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको जो है सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल पे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद इस बिल्ड का जो है पूरा एक हम ओवरव्यू लेंगे और लास्ट में हम इसका गेमिंग परफॉर्मेंस और बेंचमार्क टेस्ट भी जो है चेक करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सरप्राइज इस वीडियो में आपके लिए है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो देखिए इस पूरे वीडियो को, जानिए कि क्या वो सरप्राइज है जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए अब जल्दी से यहाँ पे इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेसर से। तो यहाँ पे इस पीसी बिल्ड में मैंने यूज किया है राइजन 7 2700X जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और ये 8 फिजिकल कोर एंड 60 थ्रेड सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा आपको इसमें जो है 3.2 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड मिल जाती है जो कि 4.2 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट भी हो सकती है। और दूसरा कि आप इसमें जो है इजिली ओवरक्लॉकिंग भी कर सकता है। और यहाँ पे आपको AMD का प्रिज्म RGB स्टॉक कूलर भी इसके साथ मिलता है जो कि काफी हद तक एक डिसेंट कूलिंग प्रोवाइड कर देता है। इस प्रोसेसर का यूज जो है मुझे गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग में करना है तो मुझे इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पे इंटेल के कोर i7 9700 के प्रोसेसर के साथ भी जा सकता था जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन प्राइस उसकी थोड़ी सी ज्यादा है। इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि राइजन 7 2700 उसके कंपेयर में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। हालांकि इन दोनों प्रोसेसर के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है Asus Strix B450F गेमिंग मदरबोर्ड जो कि AMD B450 चिपसेट सपोर्ट करता है। खास बात की बात करें तो ये एक प्रीमियम गेमिंग मदरबोर्ड है जो प्री इंस्टॉल IO प्लेट के साथ आता है। इसके अलावा Asus की Aura RGB सिंक्रोनाइज टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करता है। मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 मेमोरी स्लॉट मिल जाते हैं जिसमें आप 64GB तक रैम इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी मैक्सिमम 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला। इसके अलावा आपको इसमें जो है ड्यूल M2 स्लॉट मिल जाता है, USB 3.1 सेकंड जनरेशन कनेक्टर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हमारा ये मदरबोर्ड जो है मल्टीपल GPU AMD 3-way क्रॉसफायर X टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा बेटर साउंड के लिए आपको इसमें मिलता है सुप्रीम FX ऑडियो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स है जिसके बारे में हम डिटेल में इसकी रिव्यू वीडियो में बात करेंगे। और आप चाहो तो यहाँ पे जो है MSI का B450 या फिर Gigabyte का X470 भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे Asus Strix का जो BIOS है वो थोड़ा सा ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगता है और इसकी जो बोर्ड की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी लगती है, तो इसी रीजन से मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है। इसके बाद बात करें रैम की, तो मैंने यहाँ पे चूज की है Corsair की Vengeance LPX DDR4 रैम और यहाँ पे टोटल 8GB की दो स्टिक मैंने यूज की है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 3200 मेगाहर्ट्ज की है। अगर आप थोड़ा पैसा यहाँ पे सेव करना चाहो, लोअर फ्रीक्वेंसी वाली रैम खरीदना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप PC गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए चूज करते हो तो एटलीस्ट आप 3000 mAh से 3200 फ्रीक्वेंसी वाली रैम चूज करें। इसके अलावा अगर आपको एक RGB PC बिल्ड करना है तो आप Zscaler की RGB सीरीज में जा सकते हो या फिर Corsair की Vengeance की RGB जो प्रो सीरीज है उसको भी आप खरीद सकते हो, लेकिन मैंने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे मेरी मेन प्रायोरिटी RGB PC बिल्ड नहीं था और ऑलरेडी इसमें से एक स्टिक जो हमारे पास पड़ी थी, इसलिए मैंने जो है इसको सिलेक्ट किया। अब बात करें मेन पॉइंट ग्राफिक कार्ड की जो कि गेमिंग पीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है NVIDIA GeForce RTX 2060 जो कि काफी पावरफुल है और ये इजीली अभी तक के जितने भी AAA टाइटल एंड हाई ग्राफिक गेम है उस पे आपको डिसेंट FPS प्रोवाइड कर देगा। और अभी GTX सीरीज से तो बेटर ही है कि आप RTX सीरीज पे जाए क्योंकि इसमें मिलने वाली रे ट्रेसिंग एंड DLSS टेक्नोलॉजी आपको अपकमिंग गेम्स में काफी हेल्प करने वाली है। और यहाँ पे जो मैंने ग्राफिक कार्ड चूज किया है वो है Galaxy का, लेकिन आप Jotec या फिर Gigabyte के लिए भी जा सकते हो। मैंने इसलिए पे Galaxy का ग्राफिक कार्ड चूज किया क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी Galaxy का ग्राफिक कार्ड ट्राई नहीं किया था, तो वो मैं यहाँ पे करना चाहता था ताकि मैं आपको कंपैरिजन दे सकूं। तो इसका भी आपको बेंचमार्क टेस्ट वीडियो इसके रिव्यू वीडियो में मिल जाएगा, तो वो भी आप मेरे चैनल पे उसका वीडियो चेक कर सकते हो। इसके बाद बात करें स्टोरेज की, तो यहाँ पे मैंने हाई स्पीड के लिए सैमसंग की 970 EVO M2 NVMe ड्राइव को चूज किया है। उसकी जो कैपेसिटी है वो 250GB की है और इसमें जो अपनी सी ड्राइव बनाने वाला हूँ। स्पीड की बात करें तो ये SSD काफी ज्यादा फास्ट है, अप्रोक्स 3400 MB/s री स्पीड
और 1500 MB पर सेकंड फ्राइट स्पीड आपको प्रोवाइड कर देती है, जो कि आपको गेमिंग और वीडियो टिंग में काफी हेल्प करेगी। इसके अलावा यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैंने इसमें सीगेट की 1 TB की 12 CUDA ड्राइव को सिलेक्ट किया है, जो कि एक डिसेंट स्पीड प्रोवाइड कर देती है। लेकिन आप चाहो तो WD Blue के साथ भी जा सकते हो, या फिर और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप सीगेट की 5 CUDA को भी खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे स्टोरेज की इतनी जरूरत नहीं थी तो मैंने इसको जो है सिलेक्ट किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड ML120L RGB लिक्विड कूलर, जो कि सिर्फ सिंगल फैन और 120mm रेडिएटर के साथ आता है, और ये आपको स्टोक कूलर के कंपेयर में काफ़ी अच्छा यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड कर देगा और आपके राइजन 7 का जो टेम्परेचर हो 50 सेल्सियस तक जो है मेंटेन कर लेगा। अगर आपको और बेटर कूलिंग चाहिए तो आप इसके 240mm रेडिएटर वाले वेरियंट के साथ भी जा सकते हो। इसमें आपको AMD और इंटर प्रोसेसर दोनों की इंस्टॉलेशन किट मिल जाएगी, साथ में RGB कंट्रोल भी आपको मिल जाती है, और ये आपके मदरबोर्ड अगर RGB सपोर्ट करता है तो उससे भी इजीली सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इसके अलावा मुझे इस पीसी में जो है वाईफाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने यहाँ पे TP-Link का वायरलेस N300 PCI Express एडाप्टर को चूज किया है, जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग में काफी हेल्प करेगा। वैसे यहाँ पे मैं USB वाईफाई एडाप्टर के साथ भी जा सकता, लेकिन स्पीड एंड स्टेबल वायरलेस कनेक्शन के लिए इसका होना बहुत जरूरी था। अब आते हैं पावर सप्लाई पे, तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया है Corsair का VS650, जो कि 650 वोट के साथ आता है और 80+ रेटिंग के साथ आता है, और ये कम बजट में बहुत अच्छा पावर सप्लाई है। यहाँ पे मेरे इस बिल के हिसाब से ये सफिशिएंट था, लेकिन अगर आप फ्यूचर में अपने पीसी बिल में कोई अपडेट करना चाहते हो तो बेटर है कि आप एटलीस्ट 750 वोट के साथ जाए, और आप थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे आप कूलर मास्टर का मास्टर वोट या फिर Corsair की CX सीरीज में भी जा सकते हो। कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पे मैंने चूज किया है कूलर मास्टर MB511 RGB केस, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल RGB केस है। इसमें आगे की साइड में आपको मैच फ्रंट पैनल मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा एयर फ्लो प्रोवाइड करती है। आगे 120mm के 3 LED फैन मिल जाते हैं, जिसका कंट्रोल भी आपको इसके साथ मिलता है, और आपका मदरबोर्ड अगर RGB सपोर्ट करता है तो उसके साथ भी इजीली सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इसके अलावा S2H आपको टेम्पर ग्लास पैनल मिल जाती है, जो इस कैबिनेट के लुक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। तो अगर आपको एक डिसेंट लुक और बेटर एयर फ्लो के साथ कोई RGB केस चाहिए तो ये अभी बहुत सही ऑप्शन है। इसके बारे में मैं अलग से एक रिव्यू वीडियो भी बनाया, तो आप जो है वो भी मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। इसके बाद बात करें मॉनिटर की, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है Acer का KG271, जो कि एक 27 इंच फुल HD TN पैनल मॉनिटर है, जो कि 1 ms रिस्पांस रेट और 144 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अलावा और बहुत सारे फीचर है इसके, जिसके बारे में हम इसके डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस की बात करें तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया Logitech G402 गेमिंग माउस एंड Logitech G213 RGB गेमिंग कीबोर्ड। ये दोनों ही परफेक्ट है FPS गेमिंग के लिए, और इनके भी फुल रिव्यू वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung.
तो ये है हमारा फाइनल बीट जो कि काफ़ी स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है कि लुक यहाँ पे मेरी मेन प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मिनिमम आरजीबी के साथ एक डिसेंट लुक यहाँ पे मिल गया। तो ओवरऑल इस पीसी बिल्ड से जो मैं काफ़ी खुश हूँ, जैसा मुझे चाहिए था वैसा बिल्ड यहाँ पे हो गया। अब बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे सीपीयू बेंचमार्क एंड कंप्यूटर बेंचमार्क दोनों में ही इसने अच्छा खासा स्कोर कर लिया है। इसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो निकालने वाला हूँ, जहाँ पे इसके में गेमिंग परफॉर्मेंस और कौन सी गेम में कितनी एफपीएस में सेटिंग दी वो सारी डिटेल मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो बस ये था मेरा पीसी बिल्ड वीडियो। आपको ये पीसी कैसा लगा वो मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएगा। और पीसी बिल्ड को लेकर अगर आपको कोई सवाल हो या फिर कोई और पीसी कंपोनेंट के लेकर आपको कोई सवाल हो तो वो जो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इसमें एक सरप्राइज है आपके लिए, तो वो सरप्राइज क्या है तो मैं बहुत जल्दी जो है पीसी बिल्ड का गिववे करने वाला हूँ। अफकोर्स इस पीसी बिल्ड का गिववे नहीं करने वाला, एक और पीसी बिल्ड जिसका मैं गिववे करने वाला हूँ, जिसमें होगा राइजन 3 प्रोसेसर, एसस 320M मदरबोर्ड, 120GB WD ग्रीन SSD, 1TB SSD ड्राइव और ग्राफिक कार्ड में यूज़ करने वाला हूँ NVIDIA GeForce 1050 Ti। और अभी PC कैबिनेट, पावर सप्लाई, कीबोर्ड और माउस जो है वो फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट जो है वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू आने वाले, तो अभी तक मुझे पता नहीं चला कि कौन सा जो है मुझे मिलने वाला है। लेकिन गिववे के रिजल्ट से पहले ही मैं आपको इस पूरे बिल्ड का एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। और आपको इस गिववे के लिए जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल से 3 या 4 स्टेप है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और उसकी लिंक भी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से जो है पार्टिसिपेट कीजिए और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।